के लिए सबसे पहले हम एक पैन गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल अच्छा गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम हाई फ्लेम पर लगभग 1 मिनट के लिए भून लेंगे। और 1 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे। आधा मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम कीमा लिया है, जिसे मैंने वॉश करके छन्नी में रख दिया था ताकि इसमें ज़्यादा पानी ना रहे। और अब हम इसे लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे। और अच्छी तरह से हमें 1 से 1.5 मिनट तक कीमे को भून लेना है। कीमे के ही पानी में हमें उसे अच्छे से गलाना है। तो ये देखिए कीमे ने पानी रिलीज़ कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जो कीमे का पानी रिलीज़ हुआ है उसी पानी में हमें कीमे को गलाना है। तो सबसे पहले हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर पकाएंगे जब तक कि पूरा पानी ड्राई नहीं होता। लगभग 10 से 12 मिनट के लिए मैंने पकाया है। बीच बीच में आप ज़रूर चेक करें, और ये देखिए पूरा पानी जो है वो ड्राई हो गया है। तो अब हम इसे आधे मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, और ये देखिए कीमा अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ पुदीना और कटा हुआ हरा धनिया, और मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे जब तक हम आलू उबाल लिए हैं। देखिए आलू को हम मैश कर लेंगे जब तक ठंडा होता है कीमा। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम आलू को उबाल लिया है, उसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों से मैश भी कर सकते हैं। ये देखिए सारे आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू के हिसाब से नमक, साथ में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, जिससे आलू में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम इसे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चावल का आटा, ताकि आलू जो है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और आटे को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो चावल के आटे की जगह पर यहाँ पर कॉर्नफ्लोर यानी मकई के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 अंडा, साथ में हम उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और ये अंडे को भी मैंने अच्छे से फेंट लिया है। तो चलिए अब हम आलू कीमे की पैटीज़ बनाएंगे। तो जो हमने आलू अच्छी तरह से मिक्स कर लिए थे, उसमें से हम जिस तरह से आटे का गोला लेते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरह से ले लेंगे। उतना ही बड़ा हमें लेना है। अच्छे से गोल शेप देंगे। और ये देखिए गोल शेप मैंने दे दिया है। और इस तरह से जैसे हम पूरी बनाते हैं, हाथों पर थोड़ा सा पानी लगाकर हम इसे इस तरह से देखिए प्रेस करते हुए पूरी का शेप दे देंगे।
हमें कहीं से ज़्यादा कहीं से पतला नहीं रखना है। सभी जगह से हम इस तरह से देखिए घुमाते जाएंगे। किनारियों को हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और ये देखिए इस तरह से हमें गोल शेप दे देना है। अब हम इसमें भरेंगे कीमे की स्टफिंग। तो इस तरह से प्रेस करते हुए हमें कीमे की स्टफिंग को भर लेना है। और अब हम आलू की किनारियों को पकड़ते हुए इसे गोल शेप दे देंगे। अगर आपको कहीं लगे कि हाथों पर चिपक रहा है आलू, तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा। बहुत ही इजीली ये चिपक जाते हैं, क्योंकि इसमें आलू है तो आलू जो अच्छे से बाइंडिंग हो जाती है आलू से। तो ये देखिए जहाँ जहाँ से खुलेगा उससे यहाँ से हमें इस तरह से पकड़ते हुए बंद कर देना है। हाथों पर हल्का सा पानी लगाएं या आलू लगा ले ऊपर से, तो ये देखिए एकदम इजीली ये बंद हो जाएगा। हल्का सा मैंने पानी लगा लिया और ये देखिए अब हम इसे गोल शेप दे देंगे। और इसी तरह से सभी हम आलू पेटीज को तैयार करेंगे। ये देखिए सभी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है, बहुत इजी है। अब हम इसे जो हमने अंडे का बैटर बनाया था उसमें डिप कर लेंगे। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स को हम इस तरह से ऊपर से लगा लेंगे। और ये हमारे कीमा आलू के पेटीज फ्राई करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी सभी कीमा आलू पेटीज को हम इसी तरह से स्टफिंग करके ब्रेड क्रम्स और अंडे को लगा लेंगे। ये देखिए तो इसी तरह से हम सभी तैयार करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तेल अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। और गोल्डन कलर होने तक हमें इसे फ्राई करना है दोनों तरफ से। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे तेल में ऐड करेंगे। और गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये एक तरफ से गोल्डन कलर आ गया है तो हम इसे टर्न कर लेंगे। और अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है पेटीज को। तो ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हमारे आलू कीमा पेटीज बनकर तैयार हो रहे हैं। और ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर या एब्जॉर्बन पेपर पर निकाल लेंगे इस तरह से तेल निथार कर। और ये बहुत ही बेहतरीन हमारे कीमा आलू के पेटीज बनकर तैयार है। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी सभी कीमा आलू पेटीज को भी फ्राई कर लेंगे। तेल हमें अच्छे से गरम करना है और तेल गरम होने के बाद हमें मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। गोल्डन कलर आ जाए तो पलट लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए सभी कीमा आलू पेटीज को हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। बहुत कुरकुरे, बहुत टेस्टी ये कीमा आलू के पेटीज बनकर तैयार होते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आपको एक कट करके दिखा देती हूँ।
बहुत ही क्रंची, बहुत ही टेस्टी कीमा आलू के पेटिस। आप इसे इफ्तारी में ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी कांदा भजिया की रेसिपी, जो मार्केट जैसे भजिए हम कुरकुरे घर पर भी आसानी से बना सकते हैं और ये सभी को बहुत पसंद आते हैं और इफ्तारी में इसे बनाया जाता है। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 बड़ी प्याज को रफली चॉप कर लिया है। अब हम इसमें सभी मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है अक्खा धनिया जिसे क्रश कर लिया है। कांदा भजियों में अक्खा धनिया क्रश किया हुआ बहुत ही टेस्ट लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 से 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बेसन और 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे चावल का आटा। चावल के आटे से ये बहुत ही कुरकुरे बनेंगे। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए सभी जो हमने प्याज को अलग अलग कर लेना है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से प्याज को जो है वो हम अलग अलग कर लेंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है प्याज। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पानी। पानी का हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। और अब हम इसे आटे की तरह देखिए मिक्स करते जाएंगे। प्याज से भी पानी रिलीज़ होगा थोड़ा बहुत, तो हमें इस तरह से ही इसे कम पानी में ही मिक्स कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है इस तरह से। अब हम तेल गरम करने रखेंगे और तेल को हम बहुत ही अच्छे से गरम कर लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गरम नहीं होगा तो भजिया जो है वो तेल सोखने लगेगा और कुरकुरे नहीं बनेंगे भजिए। तो जब तेल अच्छी तरह से गरम हो जाए तब हम भजियों को फ्राई करेंगे। ये देखिए तो अब हम तेल में भजियों को ऐड करेंगे। और अब हम इसे फ्राई करेंगे डार्क कलर होने तक। अलट पलट करते हुए हमें भजियों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। हाई फ्लेम पर ही मैंने फ्राई किया है भजियों को। और ये देखिए डार्क कलर होने लगा है, तो इतना हमें भजियों को फ्राई कर लेना है। अब हम इसे इस तरह से देखिए निथार लेंगे ताकि तेल जो है वो सारा निकल जाए। और अब एक एब्जॉर्बन पेपर या टिश्यू पेपर पर भजियों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी कांदा भजिया, बिल्कुल मार्केट की तरह हम घर पर आसानी से बना सकते हैं और इफ्तारी में सभी भजियों को पसंद करते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और इसी तरह से हम बाकी के सभी भजियों को फ्राई कर लेंगे। और अलट पलट करते हुए हमें डार्क कलर होने तक फ्राई कर लेना है। जब तक कि भजियों पर कुरकुरापन नहीं आता तब तक हमें फ्राई करना है। और ये देखिए इसी तरह से तेल निथारते हुए हम भजियों को निकाल लेंगे। और ये हमारे कांदे भजिए बनकर तैयार है। बाकी के भी सब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इसे सर्व कीजिए हरी मिर्च और हरी चटनी के साथ। मैंने 250 ग्राम सफ़ेद वटाना ले लिया है जिसमें रात भर मैंने भिगो कर रखा हुआ था। और अभी मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 छोटे आलू, आप चाहे तो एक बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अभी हम इसमें कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसे मैंने वॉश कर लिया है और कुकर में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे और पानी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है, 2.5 गिलास। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से उबाल लेंगे। तो उबालने के लिए हम कुकर की लीड बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें लेंगे एक प्रेशर। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर लेने के बाद लो फ्लेम पर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम 4 प्रेशर ले लेंगे ताकि वटाना अच्छे से गल जाए। तो टोटल ये मैंने 5 प्रेशर ले लिए हैं, हाई फ्लेम पर एक प्रेशर और 4 प्रेशर लो फ्लेम पर। पूरा प्रेशर मैंने ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने दिया था। उसके बाद हम कुकर की लीड ओपन करेंगे और ये देखिए आलू और वटाना अच्छे से गल गया है। तो अब हम इसमें से आलू निकाल लेंगे और उसका छिलका निकाल लेंगे। और ये देखिए वटाना जो है वो अच्छे से गल गया है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो आलू का मैंने छिलका निकाल लिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे 1 छोटा ग्लास जितना पानी, क्योंकि रगड़ा जो है वो थोड़ी देर बाद गाढ़ा हो जाएगा, तो हमें उस हिसाब से यहाँ पर पानी ऐड कर लेना है। ये मैंने पानी ऐड कर दिया, हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर मैंने उबाल भी आने दे दिया है और ये हमारा रगड़ा अब तैयार है। ये देखिए कंसिस्टेंसी। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ये प्लेट में मैंने निकाल लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर। भुने हुए जीरे का पाउडर का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो वो ज़रूर ऐड करें। साथ में ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 1 लहसुन की कली को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है। तो ये हरी चटनी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में ऐड करेंगे इमली का पल्प इसी कटी हुई प्याज जो ऑप्शनल है। अगर आप प्याज पसंद नहीं करते रगड़े में तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर भी इसमें ऑप्शनल है। और ये जो हमने सभी चीज़ें जो पहले ऐड की है, नमक, लाल मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, आप डायरेक्ट कुकर में भी उसे ऐड कर सकते हैं, पूरा रगड़ा एक साथ बना सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना और थोड़ा सा कटी हुई हरा धनिया ऐड कर दिया है और ये हमारा झटपट रगड़ा बनकर तैयार है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इफ्तारी में बहुत टेस्टी बनता है और बहुत झटपट भी बनकर तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम सब्जी को भिगो लेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया है सब्जा, उसे हम भिगो लेंगे पानी में लगभग 10 मिनट के लिए। तब तक हम ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 15 से 20 पिस्ता और 15 से 20 काजू। साथ में हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून शक्कर और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट, शक्कर और मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए पाउडर मैंने बना लिया है। अब हम दूध गर्म करने रखेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसे गर्म करने रखा है। और गर्म करने से पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास जितना पानी, और अब हम इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने देंगे। और ये देखिए उबाल आ गया है।
तो अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे और लो फ्लेम पर पकाते पकाते हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाया था वो। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे ताकि गाठी ना बने। इसी तरह से हमें चम्मच चलाते हुए पकाते रहना है। तो ये देखिए पूरा पाउडर मैंने इसमें मिला लिया है। अब हम इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाते रहेंगे लगभग 7 से 8 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये 7 से 8 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये हमारा दूध अभी पककर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। और ये देखिए ठंडा मैंने कर लिया है। तो अब हम इसे में बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रोज़ वाटर। यहाँ पर मैंने मैप्रो का रोज़ सिरप लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पर रूह अफ़ज़ा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन रोज़ सिरप का टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है तो आप इसे ऐड कीजिएगा। और 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मीठा आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 टेबलस्पून मैंने रोज़ सिरप इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे जो सब्जा हमने भिगो के रखा हुआ था वो। सब्जा जो है वो गर्मियों में ठंडक का काम करता है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। और मिक्स करेंगे और ये हमारा रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनकर तैयार है। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और 2 घंटे तक मैंने ठंडा होने रखा था और ये हमारी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तब हम इसे ग्लास में सर्व कर लेंगे। गार्निश कर लेंगे हम पिस्तों के टुकड़ों के साथ। और आप इसे इफ्तारी में ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बाकी के भी सभी ग्लासों में हम इसे सर्व कर लेंगे। और बहुत ही ठंडी ठंडी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।